good morning to a new day and welcome to Tipsy Trails and welcome to a new vlog. आज मेरा last day है बार्सिलोना में and I wanted to make it big and memorable. इसलिए मैं आई हूँ बार्सिलोना की पहचान में. I think most of the लोगों को already पता होगा कि ये स्पेन की बार्सिलोना की पहचान है. अगर आप यहाँ आए हैं और इस जगह पे नहीं आए तो ये आपकी ट्रिप बार्सिलोना की इनकम्प्लीट है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सागरदा फेमिलिया, द मोस्ट फेमस चर्च हेयर इन बार्सिलोना. और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है गौदी ने, जो कि यहाँ का सबसे फेमस आर्किटेक्ट रहा है अपने टाइम का. और ये उसका सबसे बड़ा मास्टरपीस है. इसकी खासियत ये है कि जब से ये कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ है, ये आज तक सिर्फ कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है. इसके बारे में फर्दर डिटेल्स मैं आप लोग को अंदर जाके देती रहूँगी. सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी व्हाट इट इज़. सो गाइज, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस. जो यहाँ का आर्किटेक्ट था गौदी, वो बहुत ज़्यादा नेचर से इंस्पायर्ड था. इसीलिए इस पूरे चर्च को अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा आर्किटेक्चर एक फॉरेस्ट से इंस्पायर किया गया है. ये जो जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पे, ये एक ट्रीज़ की तरह लगते हैं और ऊपर इनके ट्रीज़ की ब्रांचेस की तरह ये खुलते हैं. इवन जो ये विंडोज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी इसका कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से किया है, जैसे एक फॉरेस्ट में जब सन की रेज अंदर आती हैं वैसे इनका भी कलर कॉम्बिनेशन किया गया है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस चर्च की, कि इस चर्च में बहुत कम चैपल्स हैं, बहुत कम स्टैचूज़ हैं. सो इसका रीज़न ये है कि चर्च के बाहर बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की पूरी लाइफ हिस्ट्री को डिनोट करते हैं. अंदर है सिर्फ नेचर और बाहर है असली उनकी जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री. सो अंदर का एक पूरा टूर लेते हैं और फिर देखते हैं बाहर. ये रोड ही पूरी प्रिटी है. इस साइड म्यूजियम है और इस साइड पोर्ट है. यहाँ पे काफ़ी सारी प्राइवेट यॉट्स भी खड़ी हैं और यहीं से काफ़ी सारी टूर्स भी होते हैं क्रूज़ पे. तो ये एक बहुत ही प्रिटी एरिया है वॉक करने के लिए. इफ़ यू लुक एट दिस साइड, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, लोग यहाँ पे बैठे हैं अपना मस्त सनडाउन का वेट कर रहे हैं. दे विल हेड टू द बीच. यहाँ से बीच भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अनदर 10-15 मिनट्स का वॉक है एंड यू विल गो टू द ला बार्सिलोनेटा बीच. तो अभी हम एक छोटा सा वॉक लेंगे यहाँ पे. वी लुक एट द क्रूजेस, वी लुक एट दिस होल एरिया एंड यहाँ से फिर हम जाएंगे बीच. बार्सिलोना करीबन 2000 साल पुरानी सिटी है और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है रोमन से, क्योंकि रोमन्स ने ये सबसे पहले डिस्कवर करी थी. तो इसलिए यहाँ पे रोमन्स की काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनके कल्चर में भी और इनके लैंग्वेज में भी. जो कैटलूनियन लैंग्वेज बार्सिलोना की मेन लैंग्वेज है, उसमें भी लैटिन बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है. जैसे हम इंडिया से रिलेट करते हैं कि कितने सारे कॉन्करर्स और इन्वेडर्स इंडिया में आए, वैसे ही स्पेन में कई इन्वेडर्स आए, कई कॉन्करर्स आए. इन्होंने बहुत, स्पेशली बार्सिलोना ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने इस पूरी हिस्ट्री में. सो कभी अफ्रीका से इन्वेडर्स आए, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहे, बट ये सिटी काफ़ी ग्रो करी बिकॉज ऑफ इट्स पोर्ट जो मेरे पीछे हैं. यहाँ क्योंकि मेडिटेरियन सी लगती है, इसलिए इनका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और लॉजिस्टिक्स बन गया.
through its sea passages. तो ये इसने काफ़ी grow किया. तो इनके progress को सबसे major setback तब लगा जब Columbus ने America discover किया. हुआ ये कि America discover करने के बाद sea passages और sea ports change हो गए, और जितने भी European ports America से pass लगते थे उन्होंने तो ज़रूर flourish किया. जैसे स्पेन में ही सिविया के जो ports हैं उन्होंने काफ़ी flourish किया, but Barcelona काफ़ी पीछे रह गया because ये America के sea ports से close नहीं है. तो यहाँ पे उनके economic progress को काफ़ी setback लगा. इतना setback लगा कि 400 years तक इनकी economy काफ़ी downfall में रही. और पर धीरे धीरे 400 इयर्स के बाद धीरे धीरे ये रिफॉर्म्स लेके आए. ये सिर्फ सी पोर्ट्स तक नहीं रहे, और भी इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप करी टुवर्ड्स दी यू नो आउटर एरियाज ऑफ बार्सिलोना. तो धीरे धीरे इन लोगों ने फाइनली प्रोग्रेस किया, एंड नाउ आफ्टर यू नो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल नाउ दे हैव स्टार्टेड गेनिंग बैक देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सो इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस और इस यहाँ पे लाने की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये थी, थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोग को बताना इस जगह की और इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस समझाना कि आज भी ये यहाँ के पोर्ट्स यूज करे जाते हैं यहाँ के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हियर इन बार्सिलोना. End of my Euro trip. This is the last day in Barcelona, the last evening in Barcelona, last few hours, and I'm spending it relaxing near the beach at this restaurant Tapa Tapa, having some sangria, some potatoes, and a great company of my husband. मेरी यूरो ट्रिप अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटिफुल ट्रिप थी. आई फील सो रिलेटेबल टू दीज प्लेसेस, टू दीज पीपल आर वेरी वेरी नाइस. हम लोगों ने पर्सनली अपने पूरे यूरो ट्रिप में कहीं पे भी रेसिज्म फील नहीं किया. दैट इज़ माई टोटली इंडिविजुअल पर्सनल व्यू, एंड ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी. आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक दीज वीडियोज, माई होल जर्नी. आई ट्राई टू कवर एज मैनी प्लेसेज एज पॉसिबल, बहुत छोटे छोटे स्टॉप से हर जगह, बिकॉज मुझे कई सारी जगहें कवर करनी थी यूरोप में. दिस बींग माई फर्स्ट ट्रिप, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं एक स्पेसिफिक जगह पर आऊँ और वहीं पर एक हफ्ता स्पेंड करूँ. आई टुक अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस प्लेस. तो बहुत अच्छी रही मेरी ट्रिप. आई होप जितना मैंने यहाँ पर इंजॉय किया एटलीस्ट उसका 10% भी आप लोगों ने वीडियोज़ देख के इंजॉय किया हो. So thank you so much for watching this video and all the other vlogs of my Euro trip. So thank you, thanks again, and have a great time. See you guys in my next vlog, next video. Till then, don't forget to subscribe to my channel Tipsy Trails. I'll see you guys very soon with my next video. Bye.